यहाँ पर पिछली ही बार आकर के हम लोग देखे और कहा कि इसमें काफी पक्षी का आगमन रहेगा, तो आज खुशी है कि देखिए कितनी पक्षियाँ हैं। और इसका नाम हम लोग दे दिए थे राजधानी जलाशय। पहले सिर्फ मछली का रहता था, इसको फिर उतना करके एकदम पर्यावरण के दृष्टिकोण से इसको किया गया, तो आज कितना सुंदर लग रहा है। तो पिछले वर्ष भी आए थे दिसंबर महीने में, तो इस बार इन लोगों ने बताया कि काफ़ी इस बार पक्षी वही देखने चले आए हैं। आम आदमी के लिए सर कब से? हाँ, ये बच्चों के लिए है, स्कूल के बच्चे। अब चूँकि 4 तारीख से शुरू होगा स्कूल में पढ़ाई, तो बच्चों को एक साथ 20 के ग्रुप को, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ लाने पर होगा, क्योंकि देख रहे हैं ना हम लोग घूम रहे हैं तो ऊपर ढकने लगे, ये तो नीचे रहता है, उसके खाने से लेकर के हर चीज़ का इंतजाम है। तो ये तय कर लिया गया है, पिछली बार तय किया गया था कि संख्या उसकी एक सीमित रखी जाएगी, ला करके घुमा करके बच्चों को रेगुलर संस्कृति से जुड़ने का सुनहरा अवसर है। 4 तारीख सब शुरू हो जाएगा, उसका यहाँ भी करवाया जाएगा बच्चों, सरकारी के साथ प्राइवेट का भी। हाँ, सबको प्रकृति से जुड़ने का सुनहरा अवसर है सर। नहीं, बहुत अच्छा है ना, एक तो कि नई पीढ़ी को प्रकृति के बारे में पूरा एहसास होना चाहिए जी सर। और एक चीज़ है कि किसी चीज़ को पढ़ सकता है, जान सकता है, ये सीधे देखना है, तो देखने का कितना व्यापक असर होता है मन पर, उसी दृष्टिकोण से हम लोग ये चाहते हैं। तो बच्चों को, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बुला करके दिखाना, ताकि लोगों की रुचि इन सब चीज़ों पर बढ़े। किसी भी प्रकार का दावा कर रहा है, सब बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं, ऐसी कोई बात। उदयनारायण चौधरी ने जो ऑफर दिया है, चलिए चलिए।